वन एंड वेलकम टू दिस वीडियो सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर ट्वेल्व शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एंड देंड वी आर गोइंग टू डू अ ट्रिक विद विच विल बी एबल टू लर्न इट वेरी इजिली सो दिस चैनल विल हेल्प यू विद यू जी सी नेट पेपर वन एंड पेपर टू सोशल वर्क एंड इट इज प्रजेंटेड बाई हितेशरोड़ा आज हम ट्वेल्व शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे और आखिर में एक ऐसी ट्रिक करेंगे जिससे आपको बहुत ही आसानी से ये लर्न भी हो जाएगा तो ये चैनल आपको यूजीसी में मदद करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव वेर इट इंक्लूडेड टेन शेड्यूल्स लेटर वेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडोटेड इनटीन फोर्टी नाइन इट कंसिस्टेड ऑफ एट शेड्यूल्स एंड टूडे with the amendment in the indian constitution there are total 12 schedules indian constitution mein 12 schedules hain jab ye first mention kiya gaya tha to wo tha the government of india act 1935 mein tab it included 10 schedules और जब Indian Constitution adopt किया गया था 1949 में तब eight schedules थे और अब amendments के बाद बारह शेड्यूल्स हैं इन टोटल तो शेड्यूल नंबर वन है द फर्स्ट शेड्यूल इज़ इट कंटेन्स नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टेरिटोरियल जूरिजिक्शन ऑफ स्टेट्स इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड फर्स्ट शेड्यूल में नेम ऑफ़ द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है और उनकी टेरिटोरियल जूरिजिक्शन इंक्लूड की गई है सेकेंड शेड्यूल द प्रोविजनज इन द रिलेशन टू अलाइंस प्रिवेलेज एंड इमोल्यूमेंट्स ऑफ़ इसमें सैलरीज और अलाइंस एक्सेट्रा uh, की प्रोविज़न है तो ये किन की सैलरीज और प्रवलेजेज़ हैं वो हैं प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स स्पीकर्स ऑफ लोकसभा एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा चेयरमैन ऑफ़ राज्यसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडियन स्टेट्स Chairman and Deputy Chairman of Legislative Council of Indian States, Supreme Court Judges, High Court Judges, Comptroller and Auditor General of India. Third schedule it contains oaths and affirmations for Isme oaths or affirmations Otihe Kinke liye Union Minister of India, Parliament Election Candidates, Members of Parliament, Supreme Court Judges, Controller and Auditor General.

फिफ्थ शेड्यूल इट कंटेन्स प्रोविजन इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स तो इसमें शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आ, Assam, Meghalya, Assam, Meghalya, के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल का प्रोविज़न है सिकस्थ शेड्यूल में इट कंटेन्स प्रोविजन इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन स्टेट्स ऑफ असाम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम असाम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोविजन है इसमें और ये ट्राइबल एरियाज हैं तो इनके ट्राइबल एरियाज़ के असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरियाज के लिए सेवन शेड्यूल दिस शेड्यूल डील्स विद थ्री लेजिस्लेटिव लिस्ट इसमें तीन लेजिस्लेटिव लिस्ट ये हम सबको पता है कौन सी होती है यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट का मेंशन है एट एट्थ शेड्यूल इट डील्स विथ ट्वेंटी टू लैंग्वेजेज़ रिकोगनाइज बाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बाईस ऑफिशियल लैंग्वेजेज़ हैं रिकोगनाइज़ की गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे द्वारा उसका मैंशन है ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं असामीज बंगोली बोडू डोगरी गुजराती हिंदी कन्नड़ कश्मीरी कौनकनी मिथिली मलयालम मणिपुरी मराठी नेपाली ओड़िया पंजाबी संस्कृत संथली सिंधी तमिल तेलुगू उर्दू नाइंथ शेड्यूल इट डील्स विद स्टेट एक्ट्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डीलिंग विद लैंड रिफॉर्म्स एंड अबॉलिशन ऑफ जिम्मेदारी सिस्टम इट आल्सो डील्स विद एक्ट्स एंड रेगुलेशंस ऑफ पार्लियामेंट डीलिंग विद अदर मैटर्स तो ये टेंथ शेड्यूल it contains provisions related to disqualification of members of parliament and state legislature on the ground of defection defection hota hai loyal na 11th schedule it contains the provisions that specifies the powers authorities and responsibilities of panchayats it has 29 matters note that this schedule was added by the 73rd amendment act of 1992 12th schedule it deals with the provisions that specifies the powers authority and responsibility of municipalities it has 18 matters and note that it was added by the 74th amendment act of 1992 so the trick to learn is tears of old man tears of old man remember this schedule is related at tears of old man okay so first schedule T T for territory T territory Second Schedule Emoluments and sal or Salaries E. Okay. Third schedule is related to affirmation and oath. Fourth are Rajasabha. Fifth S Schedule Tribes. Sixth Schedule O other tribes. Seventh F Federal Division of Power. You remember Division of Power? 8 schedule o official languages 9 schedule l land reform 10 schedule d defection 11 schedule p panchayati raj 12 schedule m municipal corporation so this is tears of old man old pm tears of old pm t territory E. Emoluments, A. Affirmation, R. Rajya S. Scheduled Tribes, O. Other Tribes, F. Federal, O. Official Languages, Official Regional Languages, L. Land Reforms, D. Defection, P. Panchayati Raj, M. Municipal Corporation. So you revise it again and again. Write it in a notebook and revise it time and again. It comes in paper one also. So, all the net students can do it and paper to social work as well. So, if you find this video of some value, please like and subscribe and stay tuned for the next coming videos. And thank you so much.